उर्दू पाकिस्तान के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद इस्लाम राना। आज की वीडियो में पेशे खिदमत है कारवाने हुर्रियत के अजीम मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली चौहर की दास्तान। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले नए आने वाले नाजरीन से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाली बेल को भी दबा दीजिए ताकि आइंदा के लिए आप हमारे दोस्त बन जाए। मौजूद नाजरीन, मोहम्मद अली जौहर अपने अहद के बुलंद पाया अदीब, सहाफी, सियासतदान और हुर्रियत के अजीम मुजाहिद थे। 2 साल की उम्र में बाप का साया सर से उठ गया तो वालदा ने ही अली बरादरान की शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा किया। अलीगढ़ के बाद ऑक्सफोर्ड में तालीम और अदब के जदीद रमूज और असरार से आशनाई का मौका मिला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अंग्रेजी और उर्दू सहाफत दोनों में दस्तरस हासिल थी। अपने हफ्त रोजा कारमेड और रोजनामा हमदर्द निकाला। मुसलमानों के हकूक के लिए 1906 में मौलाना जौहर ने दीगर अकाबरीन से मिलकर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। खिलाफत की हमायत करने पर आपको नवंबर 1915 में नजरबंद कर दिया गया। नजरबंदी के दौरान ही 1917 में मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हो गए। खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची में खिताब की पादाश में 2 साल कैद की सजा हुई। 1923 में जेल से रिहा हुए तो कांग्रेस के सदर बने। जवाहर लाल नेहरू मौलाना जौहर अली के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर इख्तलाफ पर आपने कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार कर ली। बीमारी के बावजूद 1923 में लंदन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और 4 जनवरी 1931 को अपने खल्के हकीकी से जा मिले। उनको वलियों और पैगम्बरों की सरजमीन बैतुल मुकद्दस में दफन किया गया। अंग्रेजी अदीब H.G. वेल्स ने मौलाना के मुतल्लिक कहा था कि जौहर ने बर्ग की जुबान, मैकाले का कलम और न्यूलियन का दिल पाया। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप कीजिए। शुक्रिया।